नमस्कार, मैं श्रीधर भारद्वाज। दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपको द जेड प्लस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बात दीपावली की हो रही है तो इससे जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं दीपावली किस किस धर्म के लोग मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हिंदुओं के अलावा जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी दीपावली खास है। इन सभी धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यता और परंपरा है। जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर दीपोत्सव बिहार के पावापुरी से जुड़ा है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी को इजहार करने के लिए दीपावली होती है। इसी तरह सिख धर्म के गुरु हरगोविंद सिंह के जेल से बंदी मुक्ति दिवस को दीपावली मनाई जाती है। आइए जानते हैं जैन धर्म के लिए बिहार की दीपावली क्यों खास है। बिहार की दिवाली पूरे देश और दुनिया में बसे जैन धर्म के लोगों के लिए इसलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने बिहार के पावापुरी में दीपावली के दिन निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म में नया पंचांग भी दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होता है, यानी दीपावली के दूसरे दिन जैन कैलेंडर के न्यू ईयर की शुरुआत हो जाती है। इस मौके पर भगवान महावीर को निर्वाण लड्डू चढ़ाने का महत्व है। देश विदेश के जैन श्रद्धालु पावापुरी में दिवाली के दिन दीप जलाने पहुंचते हैं और जो लोग इस दिन के लिए महावीर के निर्वाण स्थली नहीं आ सकते वे घर पे निर्वाण के लड्डू चढ़ाकर दीपावली मनाते हैं। अब बात हिंदू धर्म में दीपावली के महत्व की। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में रोशनी का त्योहार मनाया गया था। तब से दिवाली हिंदुओं की परंपरा में इस दिन घर और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा और मोदक से भोग लगाई जाती है। कारोबार करने वाले लोग धन और समृद्धि की कामना भगवान से करते हैं। इस दिन घी के साथ तिल और चमेली के तेल से दिए जलाने का विधान है। सिख धर्म में दीपावली का महत्व गुरु के कैद से छूटने का है। दरअसल सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह महाराज को बादशाह जहांगीर ने कैद कर लिया था। बाद में दीपावली के दिन ही वो आजाद होकर अमृतसर लौटे थे। अपने गुरु के जेल से आजाद होने के दिन को खास बनाने के लिए इसे लोगों ने दीपोत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया, जो सिखों के परंपरा का हिस्सा बन गया है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी दीपावली खासा महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान बुद्ध कपिल वस्तु से लौटे थे। दरअसल सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले तो सफर के दौरान उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, शब और एक सन्यासी को देखा था। इसके बाद जब वे घर लौटे तो सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद ही शिक्षा लेकर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए थे। भगवान बुद्ध का उपदेश अपो दीपो भव से दीपावली की परंपरा जुड़ी। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का महापरायण दिवाली के दिन ही हुआ था। इस मौके पर विशेष यज्ञ, हवन और दिए जलाने का विधान है। दिवाली सभी धर्म के लोगों के लिए खास है, इसलिए भी क्योंकि ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाता है। एक बार फिर आप सभी को द जेड प्लस की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।